1945 में पहली बार दुनिया ने परमाणु हमले को देखा था। जापान पर हुआ अमेरिका का परमाणु हमला इतना भयानक था कि इंसानियत की रूह कांप गई। पहले परमाणु हमले के 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन दुनिया इसकी भयानकता को आज तक भुला नहीं पाई है। 1945 में जहां केवल अमेरिका के पास परमाणु हथियार था, वहां आज रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत समेत पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देश के पास भी परमाणु हथियार है। परमाणु हथियार न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र बिंदु बन चुके हैं, बल्कि शक्ति संतुलन की परिभाषा को भी उलट रहे हैं। आज अमेरिका सरीखा शक्तिशाली देश उत्तर कोरिया जैसे छोटे देश के सामने केवल इसलिए नतमस्तक नजर आता है क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार है। और किसी भी युद्ध का मतलब न केवल दोनों देशों बल्कि दुनिया का विध्वंस होगा। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितना खतरनाक है। पूरी दुनिया में इस वक्त इतने परमाणु हथियार हैं कि धरती पर इंसान तो क्या किसी भी जीव के रहने लायक ना बचे। इन सब के बाद भी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स ने अमेरिका के परमाणु हथियारों को बढ़ाने और हाईटेक करने की वकालत की है। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बहुत अच्छा हो अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार हो ही ना, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं होगा इसलिए ऐसे हथियार रखने के मामले में अमेरिका को ही सबसे आगे रहना होगा। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह का बयान दिया है। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भी ट्रंप ने एक ट्वीट कर कहा था कि अमेरिका को अपनी परमाणु क्षमता बढ़ानी चाहिए। इस वक्त अमेरिका के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस के पास अलग अलग तरह और क्षमता के 7000 परमाणु बम हैं, तो वहीं अमेरिका के पास 6800 परमाणु बम हैं। बाकी देशों की बात करें तो फ्रांस के पास 300, चीन के पास 260, ब्रिटेन के पास 215, पाकिस्तान के पास 140, भारत के पास 110, इसराइल के पास 80 और उत्तर कोरिया के पास 10 परमाणु बम हैं। यानी अकेले रूस और अमेरिका के पास बाकी देशों की तुलना में 20 से 30 गुना तक परमाणु बम हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये पूरे नहीं लग रहे हैं और परमाणु हथियारों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाएगा तो चीन भी ऐसा ही कर सकता है, जिससे आने वाले वक्त में परमाणु हथियारों का खतरा और बढ़ जाएगा। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ट्रंप के बयान से लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसी उम्मीद करना तो बेमानी ही है। अलबत्ता परमाणु हथियारों को लेकर नई होड़ जरूर शुरू हो सकती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।